प्रिय छात्रों नमस्कार, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं सबसे पहले एमएपीएस 108 विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान इकाई 5 राष्ट्रीय शक्ति। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव, उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूपी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य कि उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय शक्ति का उद्देश्य पहला है राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ समझना, दूसरा है राष्ट्रीय शक्ति के प्रकारों को समझना, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका का विश्लेषण करना। तो हम इस प्रकार से राष्ट्रीय हित के जो है राष्ट्रीय शक्ति के उद्देश्य हैं, तो इन उद्देश्यों को हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना में हम देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि के लिए संघर्ष घरेलू एवं राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अभिन्न अंग है। मतलब कि राष्ट्रीय शक्ति जो है तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का जो एक अभिन्न अंग है, जो संघर्षरत होते हैं पूरे देश, विभिन्न देश आपस में संघर्षरत रहते हैं, तो ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में शक्ति के लिए संघर्ष है। अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए सभी राज्य निरंतर संघर्ष में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। राज्यों द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, मतलब राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ है देश की ताकत, मतलब कि हम देश किस प्रकार से ताकतवर हो, उसकी जो पावर है तो किस प्रकार से बढ़े, ये सभी देश अपने अपने उद्देश्यों में लगे रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अधिकतर राष्ट्र अपनी सैनिक क्षमता के आधार पर कम या शक्तिशाली या अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। सभी राष्ट्र सैन्य क्षमता इतना बढ़ाते हैं कि कोई अन्य राष्ट्र उनकी संप्रभुता और अखंडता पर आघात न पहुँचा सके। कोई भी राष्ट्र अपनी सैन्य क्षमता को इसलिए बढ़ाता है कि कोई जो उन पे है कोई राष्ट्र उन पे अटैक ना कर दे, तो इसलिए अपनी सैन्य क्षमता, मारक क्षमता, युद्धक विमान है, तो ये सब चीज़ जो बढ़ाते हैं कि वो उनकी जो है शक्ति बरकरार रहे, बढ़े, और जो है कोई अड़ोस पड़ोस का राज्य, कोई भी देश उन पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो अपनी सैन्य क्षमता को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। सभी राष्ट्र सैन्य क्षमता इतना बढ़ाते हैं कि कोई अन्य राष्ट्र उनकी समृद्धता अखंडता को आघात न पहुंचा सके। आर्गिंस्की के अनुसार अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। तो आर्गिंस्की ने कहा है कि दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को अपने हिसाब से ढाल लेना जो है राष्ट्रीय शक्ति है। जैसे कि अमेरिका, जब हमारे पास शक्ति होगी तो हमको शक्ति को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास शक्ति है। अगर हमने राष्ट्रों ने जान लिया है कि इसके पास शक्ति है, शक्तिशाली राष्ट्र है, तो उसके भय से ही उसके व्यवहार में लोग परिवर्तन, अपने व्यवहारों में परिवर्तन कर देते हैं, उसके हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं और वो देश अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, अन्य देशों से उसके व्यवहार को अपने हिसाब से परिवर्तित करते हैं, ढालते हैं और अपने नियम शर्तों के अनुसार ही जो है आगे की जो है रणनीति तय करते हैं और जो है अपने नियम शर्तों को अन्य देश पर लागू करते हैं और उन मनवाने का प्रयास करते हैं, बाध्य कर देते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, जैसे कि आज अमेरिका है। तो इसके बाद हम देखते हैं हाब्स के अनुसार शक्ति वह बल है जो राष्ट्र अपने हित की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र पर डालता है। कार्ल ड्यूश के अनुसार वह शक्तिशाली राष्ट्र माना जाएगा जो संघर्ष में विजयी हो, समस्त बाधाओं का सामना कर सके। इसके आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार, राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। सामाजिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक ढांचा और राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति। तो शक्ति के प्रकारों में ये आ जाते हैं ये चीज़ें। सामाजिक शक्ति,
राष्ट्रीय शक्ति का एक जो है पहला है सामाजिक शक्ति। सामाजिक शक्ति का अर्थ है किसी भी राष्ट्र का सामाजिक ढांचा किस प्रकार से है, मतलब कि कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो कि राष्ट्र को कमजोर करते हैं, और वो उन तत्वों को उन कमजोरी को उनको दूर करना है, क्योंकि अगर हम उस कमजोरी को दूर नहीं करेंगे तो हमारा राष्ट्र जो है कमजोर पड़ता जाएगा। तो जैसे कि विभिन्न किसी भी राष्ट्र में यदि विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्नता कहते हैं विभिन्नता, इसीलिए हमारे देश में ढेर सारी जातियां हैं, ढेर सारे धर्म हैं, तो हम इसीलिए कि उनका विखंडन ना हो, बिखराव ना हो, तो इसीलिए हम बात करते हैं कि हम विभिन्नता में एकता, मतलब कि विभिन्न तो जातियां हैं, विभिन्न तो धर्म हैं, लेकिन हम जो है एक होके रहेंगे। एक और मेन पॉइंट आ जाता है कि जैसे कि जो कि निर्बल लोग हैं, जो कि जिनके ऊपर जिनके क्षमता नहीं है, सक्षम नहीं है, और जो कि विकास की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, और जिनके पास जो है कुछ नहीं है, खाने का रहने का नहीं है, तो उनमें असंतोष की भावना भी आती है। तो इस वजह से सरकार हमेशा उनको, ताकि उनमें इस प्रकार से असंतोष की भावना ना आए, असंतोष की भावना आ जाएगी तो क्या करेंगे वो लोग, स्ट्राइक कर देंगे, धरना प्रदर्शन देंगे और जो है क्रांति कर देंगे, तो देश इससे भी कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो गरीब तबका का लोग है, जो कि अपने भरण पोषण खुद करने के सक्षम नहीं है, तो इसीलिए जो है उनको 5 किलो राशन की जो है व्यवस्था की गई है कि वो भूखों ना मरे और जो है उनको इस प्रकार की स्थिति का सामना बिल्कुल ना करना पड़े, और जो है देश के लिए वो हमेशा मतलब सहयोगात्मक रवैया अपनाए। तो इसके आगे हम देखते हैं दूसरा है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या है? मनोबल, मनोवैज्ञानिक शक्ति, जैसे कि किसी व्यक्ति का मतलब शारीरिक ताकत है, बल है, सब चीज़ है, लेकिन वो मन से मनोबल ही यदि नहीं है, तो मनोबल उसका यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो क्या है उसके, मतलब कि माना जाएगा कि उसमें जो है कुछ करने की क्षमता नहीं है या क्षमता का उपयोग करना नहीं जानता है। यदि मनोबल है तो उसके पास, यदि जैसे कि हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका क्या है, मनोबल बहुत ज़्यादा ऊंचा है। हमारा देश विकासशील अवस्था में है, विकसित देशों में नहीं है, इसके बावजूद हमारे जो है मनोबल ऊंचा है, ऊंचा होने का कारण है, और देश की जनता में मनोबल भरने का काम भी करते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम आर्थिक व्यवस्था में आगे निकलने जा रहे हैं, हमारा देश जो है बहुत ताकतवर है और ताकतवर देशों की श्रेणी में शामिल है। तो ये क्या है, ये मनोबल हमारे कोई भी अगर राष्ट्र का मुखिया है इस तरीके से मनोबल भरता है तो हमारे देश की जनता में भी मनोबल की भावना बढ़ती है कि बेरोजगारी, भूखमरी आदि की समस्या की भी, किसी भी समस्या से हमको निकलना है, उससे जूझना है, तो मनोबल का होना आवश्यक है। और आगे हमारे देश, मतलब हमारे देश को विकसित देशों के श्रेणी में शामिल करना है तो मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। मनोबल यदि बढ़ा रहेगा तभी हम जा करके आगे बढ़ पाएंगे और अपना विकास कर सकते हैं और शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का जो है प्रमुख आधार आर्थिक शक्ति भी माना जाता है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली है तो वही जो है राष्ट्रीय शक्ति, उसी राष्ट्र को शक्तिशाली माना जाता है। तो जैसे कि इस समय देखा जाता है आर्थिक रूप से कौन ज़्यादा संपन्न देश है, जैसे कि अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, ये सब चीज जो है आर्थिक रूप से जो है संपन्नता की श्रेणी में आते हैं। हमारा भी भारत देश भी आर्थिक रूप से सक्षम हो रहा है धीरे धीरे, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में, उभरती हुई अर्थव्यवस्था में हमारा देश शामिल हो रहा है। तो आर्थिक रूप से हमारा भी देश संपन्नता की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे, आर्थिक स्थिति के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, जैसे कि लोगों को किस प्रकार का रोजगार मुहैया है, लोगों को हमारे देश में रोजगार मुहैया कराया गया है, उद्योग धंधे, सड़क, बिजली, पानी, ये सब चीज़ की सुविधा मुहैया कराया जाना, ये सब जो है आर्थिक संसाधन है।
सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत की आधारभूत ढांचा को जो है सुदृढ़ बनाया जाए, विकसित अवस्था में लाया जाए। और जो हमारे देश का औद्योगिक ढांचा है उसको जो है सुदृढ़ करने का, मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, उद्योग धंधों को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उद्योग धंधों से बहुत से लोगों का को रोजगार मिलता है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उद्योग धंधे हैं उनको हमेशा जो है बढ़ाने का उनका उद्देश्य रहता है और जो उसी उद्देश्य को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उद्योग धंधों से बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र में सभी लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है, जैसे कि देश की जनता सरकारी क्षेत्र में आती है तो कुछ औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उनका जो है बेरोजगारी दूर होती है। बेरोजगारी दूर करने में उद्योग धंधों का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमारी सरकार लगातार उद्योग धंधों के विकास पे प्रयासरत है, प्रयास कर रही है और लगातार जो है उद्योग धंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके बाद आ जाते हैं राजनीतिक ढांचा और राजनीतिक शक्ति। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति, राजनीतिक ढांचा और जो है राजनीतिक जो उस राजनीतिक शक्ति है, ये सब मायने रखता है। राजनीतिक ढांचा मतलब कि शासन की व्यवस्था की किस प्रकार से ढांचा है किसी भी देश में। जैसे किसी देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली है, किसी देश में अध्यक्षीय संसदीय का मिक्स रूप है जैसे फ्रांस में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, जैसे अमेरिका में संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे कि ब्रिटेन में। तो हमने जो है ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को अपनी शासन व्यवस्था में हमने अपनाया है और जो है हमने उसको अपने सुदृढ़ रूप से ढांचा को हमने बनाने का प्रयास किया है। तो हमारी इस प्रकार की जैसे संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था जो कि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो और राजनीतिक शक्ति, तो राजनीतिक शक्ति मतलब कि ये देखा जाता है कि किन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति किन लोगों के हाथ में है। जैसे कि राजनीतिक शासन सत्ता चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, शासन सत्ता को अपनी शक्ति के हिसाब से और अपनी पावर दिखाना विश्व जगत में तो वो बड़ी बात होती है। जैसे कि कोई भी शासन व्यवस्था में हो, अगर किसी के हाथ में शासन व्यवस्था चली जाती है, उसका सिर्फ अपना ढुलमुल रवैया रहता है, शासन किसी प्रकार से चलती रहती है, और जब ये कोई भी अड़ोसी पड़ोसी राज्य देखता है कि इनकी शासन व्यवस्था ढुलमुल तरीके से चल रही है, कोई स्ट्रांग लीडर नहीं है, तो क्या है पड़ोसी जो होते हैं आँख दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, अपनी शक्तियों का हमेशा प्रदर्शन करते रहना है। अगर कोई इस तरीके से हमारे देश में इस प्रकार से आग दिखाने की कोशिश करता है, हमारे देश में जो है हमको डाउन करने की कोशिश करता है, तो हम उनको जो है कड़ा मुकाबला दे सकें, कड़ी टक्कर दे सकें, और हम जो है हमको ये जिसके साथ मतलब शासन जो सत्ता का जो लीडर होता है तो वो लीडरशिप मायने रखता है। अगर बहुत ताकतवर नेता है, बहुत ताकतवर मुखिया है हमारा, तो हमारे देश को कभी हमारे देश की आन बान को कभी चोट नहीं पहुंच नहीं सकती, कोई पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और जो है हमारे जो मुखिया होते हैं तो वो मुंह तोड़ जवाब अपनी आन बान शान के लिए देने का प्रयास करते हैं, अपनी पूरी शक्ति के दम पर जो है दिखा देते हैं कि हमारा राष्ट्र किसी से कम नहीं है। अब आ जाते हैं सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति मैंने जैसे कि अभी चर्चा किया है कि सैन्य शक्ति किसी भी देश की सैन्य शक्ति जो है एकदम रीढ़ होती है कि ताकत की सैन्य शक्ति, इसीलिए बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अभी जैसे कि अमेरिका की सैन्य शक्ति बहुत ही ताकतवर मानी जाती है। सैन्य शक्ति का मतलब होता है ये नहीं मतलब होता है कि वहाँ की सेना कितनी ज़्यादा है संख्या में ज़्यादा होना सैन्य शक्ति नहीं मायने रखता है। और सैन्य शक्ति को हमने कितना टेक्नोलॉजी, कितना आधुनिक सुविधाओं तथा अस्त्र शस्त्र से हमने कितना लैस कर रखा है, तो वो माना जाता है कि सैन्य शक्ति उतना ज़्यादा मजबूत है। तो विश्व में अगर देखा जाए तो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है तो संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी सैन्य शक्ति है तो क्या है आधुनिक सुविधाओं से, टेक्नोलॉजी से, और जो है मारक क्षमता है, युद्ध विमान है, जितना भी चीज़ है
और अस्त्र शस्त्र से लैस वैस है। और उन्होंने तो मतलब कि हमारे देश में भी ड्रोन विमान का भी कर लिया गया है, लेकिन अमेरिका में बहुत पहले से जो कि मानव रहित जो विमान उड़ाए जाते हैं, ड्रोन विमान की जो है वहाँ पे क्षमता है और ऐसे युद्धक में युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ मायने रखता है। और हमारे देश की जो सैन्य क्षमता है वो भी धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रही है, और हमारे देश की सैन्य क्षमता को भी सैनिकों को भी हम धीरे धीरे करके आधुनिक सुविधाओं से लैस वैस कर रहे हैं, और ढेर सारी पनडुब्बियाँ हैं, मारक क्षमता है, युद्धक विमान है, ये सब चीज़ हमारे देश की जो है सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि हमारे देश में सैनिकों के पास किसी भी सुविधाओं की कोई कमी ना हो पाए। तो इसीलिए आधुनिक तरीके से जो पनडुब्बी हैं और युद्धक विमान है, ये सब चीज़ों को बराबर हम जो है अपनी सेना में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनकी जो है रसद सामग्री की आपूर्ति, उनकी रहन सहन का भी हम बिल्कुल ख्याल हमको रखना होगा, ताकि हमारा देश, हमारे देश के जो सैनिक हैं बिल्कुल कमजोर ना पड़ सके, और सैनिकों के दम पे ही कोई राष्ट्र जो होता है, तो सैनिकों की बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने में। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हम देखते हैं, भौगोलिक संसाधन। भौगोलिक संसाधन में क्या क्या आता है, क्षेत्रफल है, जलवायु है, स्थल है, रूपरेखा आदि। तो भौगोलिक संसाधन किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने में जो है भौगोलिक संसाधन का अहम रोल होता है, मतलब कि किसी भी देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है ये देखा जाता है। तो जैसे कि हमारे देश में है जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब चीज़ होता है, तो हमारे जो है तीनों तरह की फसल भी होती है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, हमारे यहाँ की जलवायु भी हमारे देश को जो है शक्तिशाली बनाने में भूमिका अदा कर रही है। हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है काफ़ी मात्रा में होता है, लगभग हमारे यहाँ गर्म जलवायु है और तीनों मौसम हमारे देश में पाए जाते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। स्थल की रूपरेखा कैसी है, स्थल मतलब कि हम जहाँ पे हमारा देश बसा हुआ है तो वहाँ पे वहाँ की रूपरेखा कैसी है, मतलब कि उस स्थल मार्गी जो हमारा है, मतलब कि जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं, तो स्थल से वहाँ पे आवागमन हो रहा है कि जल द्वारा आवागमन हो रहा है, ये सब चीज़ देखा जाता है। जैसे कि हमारा जो है देश जो है एक तरफ हिंद महासागर है, अरब सागर है, तो ये सागर से घिरा हुआ है हमारा देश, तो एक तरीके से तो माना जाता है कि हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन हमारा देश जैसे कि आज टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो गई है कि पनडुब्बियाँ एक से एक आ गई हैं, तो किसी भी देश को जो पनडुब्बियों के द्वारा किसी भी देश में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमको क्या करना है, हमको अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जलीय स्थिति है, जहाँ पे स्थलीय स्थिति है और जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो हमको क्या करना है उसकी अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमको अपने भारत देश की सुरक्षा की हमको व्यवस्था करना है। जहाँ पे जलीय स्थिति है तो वहाँ पे जल, जैसे पनडुब्बियों का हमको जो है वहाँ पे बेड़ा एक रखते हैं, वो हमारे भारत की जो है सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। हमारे भारत की सेना जो जो कंडीशन है, जैसे कि पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिया के लिए अलग तरीके की हमारे यहाँ सेना लैस वैस की गई है, और जहाँ पे बर्फीला एरिया है तो वहाँ पे बर्फीले तरीके से हम जो है अपने सेना को हमने लैस वैस करके वहाँ तैनात रखा है, और जहाँ पे स्थलीय स्थल मार्ग है तो वहाँ पे स्थलीय ढंग से अपनी अपनी सेना को हमने लगा रखा है, और जो है सुरक्षा के लिए, और जो जलीय स्थिति है वहाँ पे जो है पनडुब्बियों के माध्यम से हमने जो है वहाँ पे अपनी सेना को सुरक्षा के लिए लगा रखा है, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन देखिए, प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है, जैसे कि मिट्टी है,
और वायु है, जल है, तो ये सब चीज है प्राकृतिक संसाधन में आता है। तो किसी भी देश का जो प्राकृतिक संसाधन जो है अगर भरपूर मात्रा में है तो माना जाता है कि वो बहुत देश जो है शक्तिशाली है, धनी है। तो हमारे देश जो है, हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से तो भरपूर है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होती है। तो जो देश एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है तो वही प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी से दोहन विदोहन कर रहा है। और विदोहन का मतलब ये नहीं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से यूज कर लें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन ही खत्म हो जाए, संसाधन रह ना जाए। तो हमको इस तरीके से यूज करना है अपने प्राकृतिक संसाधनों का कि सतत विकास, मतलब विकास चलता रहे और संसाधनों का विदोहन करते रहें और जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बचा के भी हर चीज़ को रखें और वो हमेशा बरकरार रखें प्राकृतिक संसाधन। जैसे मिट्टी है, मिट्टी महत्वपूर्ण होती है हमारे यहाँ की। देखिए, देखा जाता है कि हमारे यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति है, तो हमारे पूरे भारत की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। कहीं पर जल की मात्रा अधिक है, कहीं उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी इस तरीके से पाई जाती है। तो काली मिट्टी और दोमट मिट्टी इस तरह की ज़्यादा मिट्टी को उपजाऊ माना जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और लाल मिट्टी में चना की खेती होती है और लाल मिट्टी कम उपजाऊ मानी जाती है। तो हमारे देश में माना जाता है कि ज़्यादातर उपजाऊ क्षेत्र हैं हमारे यहाँ, और उपजाऊ सबसे ज़्यादा चाइना, जो जो कि बगल में है, चाइना में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। चाइना में क्या क्या होता है, चाइना में जैसे कि मक्का अमेरिका में ज़्यादा होता है, गेहूं चावल चाइना में ज़्यादा होता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों में हम देखते हैं कच्चा माल, ये सब खनिज पदार्थों में सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, चाइना में। और फिर इसके बाद कोयला, लोहा, ये सब चाइना में पाया जाता है। फिर इसके बाद चांदी मैक्सिको में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और भारत भी इसके दूसरे स्थान पर भारत भी है। तो भारत में भी, हमारा जो भारत है तो खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, भरपूर है। और हमारा जो प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन से हम भारत के लोग, मतलब भारत हमारा परिपूर्ण है। और कुछ चीज़ों में आयात करता है तथा जिस चीज़ की हमें आपूर्ति की आवश्यकता होती है, हमारे देश में कमी पड़ती है, तो हम उसको बाहर से मंगाते हैं, आयात के माध्यम से हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उपज कैसी है। मानवीय संसाधन में आता है जनसंख्या, राष्ट्रीय जाति, विन्यास आदि। तो मानवीय संसाधन का मतलब है जनसंख्या। आज हमारा जो है देश, भारत देश चाइना से बहुत आगे निकल गया है। तो ये भी कहा जा सकता है कि हम मानवीय संसाधन में हम बहुत ज़्यादा विश्व में नंबर वन हो गए हैं, लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। क्योंकि मानवीय संसाधन, अगर जनसंख्या किसी देश के जो क्षमता होती है, क्षमता मतलब राष्ट्रीय संपत्ति क्षमता के अनुसार, यदि देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या है, कमजोरी बन जाती है, राष्ट्र की ताकत नहीं बनती है, राष्ट्र की कमजोरी बन जाती है। तो जनसंख्या, इसीलिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है जनसंख्या को की कम किया जाए। क्योंकि अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्षमता से अधिक हो जाएगी, तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी ये बढ़ जाएगी। और जो है हमारी जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, जो ताकत बनना है तो कमजोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी, देखिए जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि किसी भी देश की जनसंख्या कम कितनी होनी चाहिए, कम या अधिक नहीं, मतलब कि ना बहुत अधिक होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, उन्होंने कहा था मध्यम तरीके से होनी चाहिए। जिस प्रकार से देश के संसाधन होने चाहिए उसी हिसाब से देश की जनसंख्या होनी चाहिए। अब जनसंख्या को हम ताकतवर बनाने के लिए, जनसंख्या देश का
ताकत बने, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको क्या करना है? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब चीज को राष्ट्र सरकार द्वारा इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, लगातार किया जाता है और लगातार हमेशा सरकार प्रयासरत रहती है और मानवीय संसाधन को जो है उस ताकत में जो है कन्वर्ट करने के लिए उनको जो है गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी दूर कर किया जाता है और जो है उनको जो है सक्षम शिक्षा को बढ़ावा देना, उनको नौकरी, रोजगार आदि जो है प्राप्त कराना तथा संसाधनों से उनको जो है मुहैया कराना, जो है उनको अच्छे से सुविधाओं से लैस वैस करना, जिससे कि जैसी जिस प्रकार हम अपनी सेनाओं को लैस वैस करते हैं, सेनाओं के अस्त्र शस्त्र से सेनाओं को लैस वैस करते हैं, तो हमको जो है मनुष्य मानव जनसंख्या को हमको जो है उनके उनके हिसाब से जो सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा है, सड़क, पानी, बिजली आदि चीज़ों को हम मुहैया कराएंगे तो हमारे देश की जनसंख्या जो है ताकत में कन्वर्ट होगी, देश की ताकत बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं तकनीकी संसाधन। जो देश तकनीकी में आगे है तो वही देश माना जाता है कि सक्षम है। जैसे कि आज वर्तमान समय में तकनीकी में सबसे ज्यादा अमेरिका जो ताकतवर है, तो हमारा देश भी लगातार तकनीकी संसाधन में हमेशा प्रयासरत है कि तकनीकी एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि खेतों में भी, कृषि में भी हम तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं और ऑफिस संस्थान सब जगह हम एडवांस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम जो है तकनीकी का पूर्ण रूप से उपयोग करने लगे हैं और हम हमारा देश ताकि पीछे ना रह जाए, तो हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है कि हम जो है तकनीकी में भी हम आत्मनिर्भर, तकनीकी के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हों। अगला है अन्य संसाधन। अन्य संसाधन में है खाद्य भंडार, आश्वस्त पूंजी, राष्ट्रीय आयात, तो इस पे मैंने चर्चा कर दिया है। खाद्य भंडार भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि हम हमारे देश की जो है पूंजी लगातार, हमारे देश का जो राष्ट्रीय कोष है वो भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार हमारे देश को जो है अच्छी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट सरकार को करना पड़ता है, तो इसलिए सरकार का हमेशा खजाना भरा होना चाहिए, पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि लोगों का जो टैक्स लगा करके हमारी सरकार जो है अपने राजकोष को भरने का प्रयास करती है, जो इनकम टैक्स जो भरते हैं लोग, तो वो सरकार के हमारे खजाना में जाते हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आय, यह भी देखा जाता है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़े, राष्ट्रीय आय की वृद्धि में हमेशा जो है सरकार प्रयासरत रहती है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती रहे। अमूर्त संसाधन, राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, राष्ट्रवाद बुद्धि, नेतृत्व, दूरदर्शा, विचारधारा, कूटनीति का गुण, तो अमूर्त संसाधनों में जो कि ये तो मैंने जो पहले चर्चा किया, ये मूर्त संसाधन है जो कि सबको दिखाई देता है, टेक्नोलॉजी, क्षेत्रफल, जनसंख्या, भूभाग, सरकार का राजनीतिक ढांचा, ये सब जो है मूर्त रूप में है जो कि हमेशा दिखाई देते हैं। और जो ये चीजें हैं, राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, राष्ट्रवाद, नेतृत्व, दूरदर्शिता, विचारधारा, कूटनीति, ये सब का गुण भी हमारी सरकार में होना चाहिए, देश के लोगों में होना चाहिए, ये अमूर्त है लेकिन ये इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, विचारधारा और मनोबल, नेतृत्व की क्षमता, ये देखा जाता है कि किस सरकार का के हाथ में नेतृत्व है और उसकी क्षमता किस प्रकार से है, उस लीडरशिप मायने रखती है कि जो है उसकी नेतृत्व क्षमता विश्व स्तर पर कैसी है, अगर विश्व स्तर पर मजबूत स्तर है तो राष्ट्रीय शक्ति को माना जाता है कि वो राष्ट्रीय शक्तिशाली है। विचारधारा, कूटनीति का गुण, विचारधारा सही होनी चाहिए, देश को आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए, और कूटनीतिक गुण, कूटनीति का मतलब होता है हर जो है समस्या का समाधान सिर्फ युद्ध से नहीं होता है, जैसे राष्ट्र की समस्या है या अन्य देशों से विवाद की स्थिति है तो हमारे देश के जो मुखिया होते हैं, लीडर होते हैं, क्या करते हैं, उसको जो है बातचीत द्वारा हल करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं, हमारे राष्ट्र की चाहे मुद्दे हों, समस्याएं हों, चाहे विदेशी मुद्दे हों, तो
ये कूटनीतिक गुण होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर चीज का हल युद्ध नहीं, युद्ध में जनधन की हानि होती है, तो युद्ध का सहारा ना लेकर के हम कूटनीतिक तरीके से अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं तो होती है कूटनीतिक। इसके बाद हम देखते हैं कि अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, आधार है। शक्ति प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्र प्रयत्नशील रहता है। शक्ति के लिए संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। शक्ति के लिए विभिन्न घटक होते हैं, उसकी शक्ति की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके अलावा शक्ति को किसी यंत्र से नहीं मापा जा सकता है। शक्ति के विभिन्न तत्व केवल शक्ति में वृद्धि की संभावना व्यक्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति जो है किसी कोई पैमाना नहीं है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, उसका प्रदर्शन दिखाई देता है, उसी से हम देखते हैं कि वो देश शक्तिशाली है। उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है कि वो देश शक्तिशाली है। और एक दूसरे से बात मनवानी, शर्तें अपनी नियम रखना, और अब हमेशा कोई भी देश अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। तो राष्ट्र की शक्ति बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। कोई भी देश शक्तिशाली होता है तभी जा करके अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है। इसके लिए इसके बाद जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।